तुम्हारे अब्बू और हमने तोहफे में तुम्हें और कबीर को हनीमून भेजना चाहते हैं। बैठो बैठो सब बैठो। क्या हुआ अबू, आपने हम सबको ऐसे बुलाया, सब खैरियत तो है? अरे खैरियत से भी ज्यादा खैरियत है मेरे भाई। समझे नहीं। तुझे दूर भेजने की प्लानिंग हो रही है तेरी बीवी के साथ? अरे तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो? हाँ बेटा कबीर, हम चाहते हैं कि तुम जारा को कश्मीर घुमा कर लाओ। तुम्हें जाना भी कल ही है, इसलिए फटाफट तैयारी शुरू कर दो मौलवी साहब। टिकट्स बुक हो गए? जी अब्बू, सीजन का टाइम है इसलिए 5 टिकट एक साथ मुश्किल थी, लेकिन फिर भी मैनेज हो गए। जा तो सिर्फ 2 लोग रहे हैं, फिर 5 टिकट किसके लिए? अम्मी, इन्होंने आपको कुछ बताया नहीं? काशन? अम्मी, वो शादी के बाद से ही हम और जीनत कहीं बाहर नहीं गए थे, इसीलिए जारा और कबीर के साथ हम तीनों भी बाहर जा रहे हैं। इसी बहाने हम भी कश्मीर घूम लेंगे ना। हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन पहले जारा और कबीर होकर आ जाए फिर चले जाना बेटा। बेगम, अगर माहौल बन रहा है तो ये लोग भी घूम लेंगे, और सोचो ना इसी बहाने मतलब दोनों भाइयों की फैमिली साथ में घूमेंगे तो प्यार बढ़ेगा दोनों के बीच में, और इसी बहाने कशान और जीनत का हनीमून भी हो जाएगा। फैमिली रुखसार क्यों जाएगी? रुखसार कहां जा रही है? फिर तीसरी टिकट किसके लिए? अकेले आयान को आप संभालेंगी क्या? तीसरा टिकट आपके पोते के लिए। हाँ दोनों जाते तो ज्यादा अच्छा होता। हम नहीं जाएंगे अब। कबीर ये? हाँ भाई, माफ कीजिएगा मगर आप टिकट कैंसिल कर दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे बारे में सोच रहे थे हम। क्या हुआ, हनीमून पर जाने के लिए इनकार क्यों कर दिया तुमने? कशान ने अभी भी टिकट्स कैंसिल नहीं करवाए होंगे, उसको कह दो कि रुखसार और आप मिलकर कौन सी साजिश खेल रहे हैं अबू? साजिश के ख्याल तुम्हारे? इतना गुस्सा क्यों अबू? रुखसार का हमारे मंगनी के लिए मान जाना, सच में हमें एक इत्तेफाक लगा था, मगर उस दिन शादी वाली रात जब वो आपसे बात करने आई थी और हमने उसे देख लिया, मगर आज जब उसने सबके सामने खीर में नमक मिलाया जारा को जलील करने के लिए, तब हमें उस पर शक होने लगा था, मगर अभी भाभी और कशान भाई के हमारे साथ जाने वाली बात पर आप दोनों की निगाहें मिलना और फिर रुखसार का मुस्कुराना, एक पल में सब समझ आ गया अबू। एक पल में रुखसार ने बेवजह अपने हाथों से हमारी मंगनी नहीं करवाई थी।
ठीक तुम्हारे बेटे के मंगनी के दिन तुम्हारे ही घर पे किसी और की बेटी के तुम्हारे बेटे के नाम पर अपनी हाथ की नस काटना, पुलिस का आना, तहकीकात करना, उसका केस बनना, सालों की इज्जत खतरे में पड़ जाना, अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? किसी भी खानदान का सिर्फ एक सदस्य होना या फिर उसका हेड होना, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मगर ये फर्क तुम अभी नहीं समझोगे, जब हमारी तरह बाप बन जाओगे ना, तब समझ में आएगा तुम्हें। मगर इस सारे खेल में रुखसार का क्या होगा अबू? सोचा है आपने? हम उसके लिए तुम्हारे जैसा कोई अच्छा लड़का ढूंढेंगे, बेटी बनाकर हम खुद उसकी शादी करवाएंगे। नहीं अबू, सियासत और दुनियादारी आप हमसे अच्छा जानते हैं, ये हम भी मानते हैं, मगर रुखसार को हम अच्छे से जानते हैं। रुखसार जज्बाती लड़की है, चीजें सुलझाने के बजाय और उलझना चाहे। अबू आप तुम यकीन क्यों नहीं करते हम पर? हम हर कदम सोच समझ कर लेते हैं। तुम चिंता मत करो, बस खुशी खुशी अपनी हनीमून पे जाओ। ठीक है, आप कहते तो हम राजी जाने के लिए, मगर हमारी एक शर्त है। क्या? भाई और भाभी हमारे साथ नहीं आएंगे। वजह? देखिए आप पहले से जानते कि चीजें हमारे और जारा के बीच में सहमति नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हम दोनों एक साथ अकेले जाना चाहते, नहीं, मगर हम सिर्फ इतना चाहते कि खीर में नमक मिलाने जैसा तमाशा जो आज हुआ था वो वहां ना हो। चलो हम तुम्हारी बात समझ गए, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, जाओ तैयारी करो। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक कर लेना चाहिए, और किसी की जिंदगी में आने से पहले जारा? क्या मतलब? तुम भी कमाल करती हो जारा, पहले मंगनी नहीं करना चाहती थी, मंगनी कर ली, फिर शादी के लिए इनकार वो भी कर ली, और अब मजे से हनीमून पे जा रही। कमाल तो कुछ तुम भी कम नहीं करती हो रुखसार, अपने हाथों से हमारी मंगनी कराई, मेहंदी से लेकर शादी तक सब में सबसे आगे रही, और अब तुम्हें हमारे हनीमून पर एतराज है? एतराज नहीं, बस थोड़ी सी फिकर है। जिस इंसान के साथ घर में ना निभाई हो, उस इंसान के साथ कोई बाहर कैसे जा सकता है? फायदे नुकसान तुम तब जानोगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। अभी तुम शादी के मजे क्या जानो, कबीर शौहर है हमारे, हनीमून पर उसके साथ हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? तुमने कबीर को अपना शौहर मान लिया? मानना पड़ा, निकाह जो किया है, हमने तो मेहर का चेक भी डिपॉजिट कर दिया। अच्छा एक काम की बात बताओ हमें, तुम्हें तो पता होगा ना कि कबीर अपने गर्म कपड़े कहाँ रखते हैं, जरा बताना, हमें उनकी पैकिंग भी करनी है। पता है रुखसार, हमें ना अभी से सोच सोच के मजा आ रहा है, डल लेक, शिकारा, कश्मीर की वो खूबसूरत वादियां, देवदार के वो लंबे लंबे पेड़, हाय, और कबीर का साथ, हाय, ये सब कितना रोमांटिक। हमें अंदाजा नहीं था कि आप, हम कश्मीर
कश्मीर इतना पसंद है? कश्मीर किसे पसंद नहीं आता? वो उसके उसके बाद हमने जो कुछ भी कहा वो तुम्हारे लिए नहीं था, रुखसार के लिए था, उसे उसे जलाने के लिए था। बस ड्रामा कर रहे थे। शुक्र है मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। हम तो डर गए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने ऐसे, हमारा मतलब है तुम चौंक क्यों गए? तुम्हारी बातें सुनकर। हम इस घर में कुछ और वक्त गुजार चुके होते ना तो हनीमून के लिए सबके सामने इनकार कर देते। हम सिर्फ तुम्हारी अम्मी की वजह से जा रहे हैं, उनका दिल नहीं दुखाना चाहते। वैसे भी तुम्हारी अम्मी में ना हमें हमारी अम्मा नजर आती हैं। वैसे एक बात बताओ, तुमने तो कश्मीर जाने से मना कर दिया था, फिर तुम अचानक से मान कैसे गए? तुम्हें नजर आती है लेकिन हमारी अम्मी है वो, हम उनका कहा कैसे टाल सकते हैं? और वैसे भी फिक्र ना करो, कश्मीर सिर्फ और सिर्फ घूमकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। तैयार हो जाओ, इमरान लेने आ रहा है। तुमने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम हमारी अम्मी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। निकाह के वक्त यही प्लान था ना तुम्हारा? कुछ ना कहो और हम सब कुछ कह दे और फिर सबकी नजर में तुम अच्छी बनकर रहो और हम गिर जाए। देखो हमारा कोई प्लान नहीं था, हम सिर्फ तुमसे पूछ रहे थे। पता नहीं कश्मीर में हम इसे कैसे संभालेंगे। जी नहीं, जैसा आप कहें। शर्मा जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हम जानते हैं कि तुम परेशान हो। देखो पूरी कोशिश की हमने कि कशान जीना तुम दोनों के साथ हनीमून पर जाएं, मगर ऐसा हो नहीं पाया। कोशिश, आपको उन दोनों को हनीमून पे जाने से रोकना था। आपने हमसे वादा किया था ना हॉस्पिटल में कि कबीर सिर्फ हमारा होगा, कबीर जारा का होने लगा है अब्बू। आज दोनों अकेले हनीमून पर जा रहे हैं, जो हमने तय किया था ये तो वो नहीं है अब्बू। और तुम जारा की खीर में नमक डालोगे, क्या ये तय हुआ था? तय तो ये हुआ था रुखसार, कि शादी की हर रस्म हर रिवाज को तुम खुशी खुशी निभाने में उनका साथ दोगी। मगर लगता है कि तुमने सिर्फ हमारी अधूरी बात याद रखी। हमने कभी नहीं कहा था कि कबीर किसी भी हाल में तुम्हारा हो जाएगा, बल्कि ये कहा था कि एक बार वो शहर काजी बन जाए फिर वो तुम्हारा हो सकता है। इसलिए हम एक बार और तुम्हें ये अहम बात समझा दें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ एक ही मकसद से, कि कबीर लखनऊ का शहर काजी बने। मगर हनीमून पर वो एक दूसरे के साथ होंगे अबू, तन्हाई उन्हें खरीद ले आई तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। ठहरो ठहरो ठहरो, देखो अब उन्हें रोकना मुमकिन नहीं है, और वैसे भी कबीर को शक होने लगा है कि हम तुम्हारे साथ मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं उसके साथ। उन्हें ज्यादा रोकने की कोशिश की तो उसका ये शक यकीन में बदल जाएगा, इसलिए अभी के लिए रहने दो, बाद में हम देखते हैं क्या हो सकता है। अब अच्छा यही होगा कि तुम तशरीफ यहां से ले जाओ, जारा कबीर ने तुम्हें यहां देख लिया तो मुनासिब नहीं होगा। हमने ये कभी नहीं कहा था कि कबीर किसी भी हाल में तुम्हारा हो जाएगा। हमें ना अभी से सोच सोच के मजा आ रहा है। कश्मीर की वो खूबसूरत वादियां है और कबीर का साथ। देखो अब उन्हें रोकना मुमकिन नहीं है। रुखसार, क्या हुआ रुखसार? अब सही थी बच्चों, अब सही थी।
हम गलत थे, हमने गलत इंसान पर भरोसा कर दिया बच्चों। हमने उन्हें अपना अब्बू समझा, मगर वो सिर्फ आपके ससुर निकले। क्या कुछ तो बताओ ऐसे। अब्बू उन्हें किसी की परवाह नहीं है बच्चों, उन्हें सिर्फ कबीर को शहर काजी बनाना है। उन्होंने हमें धोखा दे दिया बच्चों, उन्होंने हमारे हाथों से कबीर को किसी और को दिला दिया। अपनी बेटी और पराई बेटियों में फर्क होता है रुखसार। हम दोनों इस घर में होकर भी घर वाले नहीं है, हम लोग तो बाहर वाले हैं ना। और बाहर वालों का तो नंबर घर वालों के बाद ही आता है ना। अगर वो लोग हमें बाहर वाला समझते हैं ना बच्चों, तो अब हम उन लोगों को बाहर वाला बंद कर दिखाएंगे। हमने जंग हारी है, अभी हमारा हौसला नहीं टूटा। उन दोनों की जिंदगी में आग लगाने का हमारे पास एक और रास्ता है बच्चों। हम जारा के लिए कश्मीर को फूलों की सेज नहीं बनने देंगे, उन्हें कांटों की सेज बना देंगे। सारे गर्म कपड़े रख लिए ना जारा? हाँ माँ, सारी तैयारी कश्मीर के हिसाब से ही की है। हाँ बहुत ठंड होती है बेटा। हम जानते हैं अम्मा, अब आप रोइएगा मत, सब लोग क्या सोचेंगे। रोने रोने में फर्क होता है, ये ना खुशी के आंसू है, समझा कर। हम बहुत खुश हैं बेटा, तुम और कबीर पहली बार एक साथ बाहर घूमने जा रहे हो। अल्लाह करे ना तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे। अरे बेगम, ये चुपके चुपके जारा बिटिया को आप क्या सिखा रही? ये दोनों कश्मीर जा रहे हैं, किसी जंग पे नहीं जा रहे। आ बेटा। भाई भाभी जल्दी चलिए, इमरान भाई आ गए हैं। हाँ जरा एक मिनट रुको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटा। सलामती की दुआओं से कुछ नहीं होने वाला अम्मी, क्योंकि आपके बेटे के साथ आपकी बहू सही सलामत इस घर में वापस नहीं आने वाली। इंशाल्लाह। बाज नहीं आएगी ना, पता है ऐसे सरप्राइज ना कई बार हार्ट अटैक दे देते हैं। एक तो हम तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने हैं और तुम होके हमें नखरे दिखा रही हो। हाँ, और आप दोनों को ड्रॉप करने के बाद हम दोनों भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। ओ, तुम ना अपनी लॉन्ग को ना थोड़ा शॉर्ट कर दो और अपने सपनों से बाहर निकलो। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ सारा के लिए आए, वो अपने पहले रोमांटिक सफर पे जो जा रही है। कुछ भी बोलती है, बकवास बंद कर। जारा सिद्दीकी की चैट प्रोफाइल है। पर तुमने इसे ओपन कैसे किया? तुम्हारे पास इसका पासवर्ड है क्या? हाँ है, और किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि जारा सिद्दीकी के पास भी नहीं। मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये भज्जो कि हम सिर्फ आपके ससुर के भरोसे नहीं बैठे थे, हमने कबीर और जारा की मंगनी के बाद ही ये प्रोफाइल बना दिया था। मगर क्यों? ताकि सही वक्त आने पर जारा को बदनाम किया जा सके। और आपको मालूम है बच्चों, ये फेक जारा ना एक वक्त पर कई लोगों से मोहब्बत भरी बातें करती। ये क्या है? एक दोस्त की तरफ से दूसरी दोस्त को हनीमून का तोहफा। क्या? सेक्सी नाइटीज। रीमा तो सच में पागल हो गई है क्या?
ये ना तू अपने पास रख, तुझे काम आएगा। अरे नहीं काम आएगी तो वापस कर देना, अब इसको अपने बैग में डाल। रीमा मत, क्या कर रही है यार? तेरा हनीमून तुझे मुबारक। ये फेक अकाउंट और इस चैट के बारे में मौलवी कबीर को पता चलेगी तो वो क्या करेगा? वो तो बिना सोचे समझे जारा को तलाक दे देगा। चले वक्त हो गया। और इस जारा सिद्दीकी का कश्मीर में भी एक आशिक है। वाह बन्नो, तुम तो बहुत चालाक निकली। क्या करे बच्चों, कबीर की मोहब्बत ने चालाक बना दिया। और आप ना बहुत सारी दुआएं और थोड़े से पैसों का इंतजाम कर दीजिए, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कश्मीर में हम जारा और कबीर को एक नहीं होने देंगे। तुम कश्मीर जा रही हो? हाँ, जारा से कबीर को छीन ले।